अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मर्जिया शानू पठान की तरफ से मुमरा शहर की सड़कों और गलियों में डस्टबिन रखने का बंदोबस्त किया जा रहा है। अक्सर लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी होती है और इसकी वजह से बीमारी भी फैलती है। मर्जिया शानू पठान ने बताया कि अभी ये शुरुआत किया जा रहा है, शहर में कई जगहों पर डस्टबिन रखी जाएगी ताकि लोग कचरा सड़कों और गलियों में ना फेंके, डस्टबिन में कचरे डाले जाए। साथ ही आम जनता से भी अपील की है कि डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाए। मर्जिया शानू पठान ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे आज कचरा ना फेंकोगे, ऐसे कुछ बैनर्स लगाएंगे, कुछ डस्टबिन भी दिए जा रहे हैं, क्या कारण है? हम लोगों ने आज एक संकल्प लिया है, एक प्रयत्न लिया है क्लीन थाने क्लीन मुमरा के लिए, कि हम लोग शंकर मंदिर से लेकर अलमास कॉलोनी तक के हर प्रमुख रास्ते के बाहर हम लोग कचरे के डब्बे देंगे, इंस्टॉल करेंगे और ज़रूरत पड़े तो सोसाइटीज़ वालों को भी हम अप्रोच करेंगे, उनको अगर ज़रूरत है तो। और जहाँ जहाँ यूजुअली कचरे के स्पॉट रहते हैं ना, वहाँ वहाँ हम कचरे के स्पॉट पर ये इंस्टॉल करेंगे, ताकि लोग गंदगी जो है, आपको पता है जैसे अभी चल रहा है पॉल्यूशन, कितनी तादाद में बॉम्बे में जो पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से मुंबई में लोगों की तबीयत कितनी ख़राब हो रही है, उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और साथ ही में कचरा जो एक है वो बहुत बड़ा रीज़न है बीमारियां फैलने के लिए, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्ग को लेकर। अभी जो इंडिया का हेल्थ रेट है वो काफ़ी डिटेरियोरेट हुआ है पिछले कुछ महीनों के अंदर, तो उसी को देखते हुए हमको ऐसा था कि हम क्लीन थाने क्लीन मुमरा के लिए एक स्टेप ले, एक इनिशिएटिव ले, जिससे हमारा मुमरा कौसा भी क्लीन रहे और लोग इसके अंदर एक हैबिट, हमने अगर आप देखें तो पीछे हमने एक स्टैंड्स लगाए हैं जिससे जो ये है स्टिल रहे, मूव ना हो, जो ये कचरे के डब्बे वो हिले ना, मूव ना हो, एक ही जगह पर रहे। उसके लिए हमने जो स्टील के हैं बड़े बड़े स्टैंड्स बनाए हैं, उस पर अवेयरनेस कैंपेन्स जो है हमने उस पर स्लोगन्स लिखे हैं, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए कि आप कचरा मत फेंके, क्योंकि एक तरफा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। आपको भी इनिशिएटिव लेना ज़रूरत है, ज़रूरी है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी कि हम अपनी सिटी को क्लीन रखें। उसके लिए हमने उसके ऊपर स्लोगन्स भी लिखे हैं कि आप कचरा मत फेंकिए क्योंकि आपका सिटी आपका घर है। ये डस्टबिन कहाँ कहाँ रखे जाएंगे और कितने डस्टबिन दिए जाएंगे? देखिए अभी ये वीक में हम लोग जितने आपके सामने हैं डस्टबिन उतने लगाने वाले हैं, उसके बाद कई सौ डस्टबिन हैं, हम लोग वीक वीक में उसको आउट करेंगे और जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ कचरे के स्पॉट्स हैं, यहाँ पर लगाने से जो है मामला सुधर सकते हैं, सफाई ज़्यादा अच्छे से रह सकती है, नीटनेस रह सकती है मुमरा कौसा में, वहाँ वहाँ हम लगाएंगे। और जो जहाँ पे भी मुमरा कौसा, अभी तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वीक में यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, पर उसके अलावा भी अगर मुमरा कौसा में लोगों को ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादा कचरा है, आप अगर यहाँ पर दे सकते हैं तो हम ज़रूर उनके साथ कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कचरे का जो मुद्दा है ना, गंदगी का, इट्स अ ह्यूमन फॉल्ट, अगर आप जाने इट्स अ ह्यूमन फॉल्ट, तो ये इसको एक ही झटके में तो सॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन फॉल्ट, पर उसके लिए स्टेप तो लिए जा सकते हैं, तो हमने ये पहला स्टेप लिया है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि मुमरा कौसा के लोग मेरा साथ देंगे इसमें। ओके, ये जो डब्बा आपने अल्लाह फॉलोअप, आई एम नोन फॉर गुड फॉलोअप्स, तो इंशाल्लाह हम फॉलोअप लेंगे। अभी फर्स्ट वीक में ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम इसका अपडेट आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी फॉलोअप लेंगे। जनता से क्या आह्वान करेंगे कि रास्ते में कचरा ना डालें इसको लेकर? यस, देखिए क्योंकि आप देखिए नालों में, आप जहाँ पे भी आप कचरा डालेंगे तो आप आपके लिए ही गंदगी तैयार कर रहे हैं। हम एक संकल्प ले रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट आपका कोऑपरेशन अगर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इधर उधर कचरा मत फेंकिए, इधर उधर थूकिए मत, अपनी सिटी को क्लीन रखना आप सबकी, हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी। फ्यूचर प्लान अभी फिलहाल आप यही हैबिट लाना ज़रूरी है कि आप बाहर ना फेंके, इसमें फेंके, फिर उसके बाद वेट एंड ड्राई की भी हैबिट लाएंगे।